हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन सीजीपीएससी को, एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स को? अभी सिर्फ अगर आज के डेट को मिला है 26 डेज ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपको अपना जो स्पीड है ना, बढ़ा देना चाहिए और रिविज़न भी करते रहना चाहिए। मैंने एक दिन का ब्रेक लिया था 15 को, तो मेरा 2 दिन ब्रेक हो गया। एक दिन मेरी एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी, उसके लिए, और दूसरे दिन थोड़ा सा अगर दिन भर घूम के आओ ना कहीं से, तो दूसरे दिन थकान की वजह से वैसे ही पढ़ने का हमारा मन नहीं करता। तो कल से आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ी हूँ और ऑब्जेक्टिव सॉल्व की हूँ। और आज का दिन भी मैं दिन में सो गई हूँ, तो मुझे आज का दिन ऐसा वेस्ट लग रहा है। तो आज मैं नाइट में पढ़ूंगी, मतलब 9 PM to 3 AM पढ़ने का मेरा टारगेट है आज का, ताकि आज का दिन काउंट हो, आज का दिन वेस्ट ना जाए, ठीक है। बाकी पिछले 2 दिनों में मैंने इसको कवर किया है पूरा। लास्ट टाइम का जो अर्जुना है ना, इसको मैंने पूरे बार रीड कर लिया है। ये पढ़ा हुआ था मेरा, अभी प्रीलिम्स के बाद ही लिए हैं इसको। तो ये मतलब कि कब लिए हैं इसको, 23 अगस्त को, तो इसका डेटा भी नहीं है। तो इसको मैंने पूरा रीड कर लिया है एक बार, और इसको भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। बाकी दोनों का डेटा सेम ही है, कुछ कुछ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी सेम है। तो 2 दिन जो मतलब वेस्ट ना जाए, उसके लिए मैंने इन दोनों को पढ़ा है। तो अभी मेरा आज का टारगेट क्या रहेगा, मैथ सॉल्व करना, ठीक है। और मैं सोची थी कि 16 जनवरी से मैं इंडियन जीएस स्टार्ट कर दूंगी, वो हो नहीं पाया है ना, 2 दिन का ब्रेक लग गया। तो कल से मेरा इंडियन जीएस स्टार्ट होगा, तो आज मैं सीजी का जितना भी पढ़ी हूँ ना, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगी और सीजी का ये देखूंगी करंट अफेयर्स। 3-6 घंटे का टाइम है इसमें, अब जो जो कवर हो जाए वो करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। अभी 8:59 हुए हैं, ठीक है, अब मैं बैठूंगी पढ़ने। तो मैं इससे ही स्टार्ट करती हूँ, 1-2 पेज के बचे हुए हैं। जब भी रिदम टूटे ना, जैसे कि मेरा रिदम टूटा है अभी, तो उसके बाद कुछ ईजी पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे मैं कैसे स्टार्ट की पढ़ना, मैंने पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया। जितना ही मैं जीएस पढ़ी थी छत्तीसगढ़ का, उसको मैं इससे ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट की, ठीक है। इससे पढ़िए ऑब्जेक्टिव पूरा, बस जितना ही मेरा जीएस कवर हुआ था, पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व की। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से क्या हुआ, वो रिकॉल हो गया मेरा पूरा, ठीक है। अब मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, ऐसा मतलब पढ़ना चाहिए वन लाइनर, जिसमें कोई स्टोरी क्रिएट ना करनी हो। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमको मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं, शिवाजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा एक बेस लेके चलना पड़ता है ना, पहले क्या हुआ वो भी माइंड में रखना पड़ता है, और बाद में क्या होने वाला ये भी। लेकिन जब हम वन लाइनर पढ़ते हैं, तो हमको सिर्फ फैक्ट में ध्यान देना पड़ता है, तुरंत तुरंत पढ़ रहे हैं, तुरंत याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम ईजी हो जाता है जब फ्लो टूटता है तब। तो मेरा फ्लो टूटा था, तो मैंने इसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है और इसको किया है। अब आज मैं इसको पूरा समप कर दूंगी। कल से मेरा सिर्फ इंडियन जीएस स्टार्ट कर दूंगी, और सीजी जीएस के लिए 2 घंटे ऐसे डिसाइड कर लूंगी। उस 2 घंटे में सीजी जीएस का जितना ही पढ़ी हूँ, उसका रिवीजन करना है और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ठीक। और मैथ्स के लिए 1 घंटे तो प्रॉपर रखना ही है, हर मतलब डेली का। कभी कभी छूट जाता है, तो उस दिन मैं सिर्फ मैथ्स के ना क्वेश्चन सॉल्व, जो सोल्यूशन यूट्यूब में है ना, उसको देख लेती हूँ। लेकिन ये है कि हर दिन मैथ्स देखना ही है, क्योंकि माइंड में रहना चाहिए ना कि मैथ्स सॉल्व करना है कैसे। वैसे भी अपन मैथ्स में थोड़ा सा कमज़ोर नहीं है, थोड़ा सा अलाल है मैथ्स के मामले में, मैथ्स सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ। जो वीडियो पे नए हैं, मैं उनके लिए बता दूँ, मेरा नाम आरती सिंह है। मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं असिस्टेंट टीचर की जॉब में हूँ, लेकिन उसमें मैंने नो वर्क नो पे LWP लेकर रखा हुआ है अपने प्रिपरेशन के लिए। मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ कोरिया जिले से बिलोंग करती हूँ, मनगंज मेरी भरतपुर, और अभी मैं शादी के बाद रायपुर में हूँ। मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी को इस चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ, ताकि मैं भी ऑन ट्रैक रख सकूँ और मुझे देखकर बाकी लोग भी मोटिवेट हो सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर पढ़ना चाहिए। ज़्यादा बड़े टारगेट बढ़ाने से हमारे टारगेट बोझिल हो जाते हैं और वो पूरे नहीं होते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उनको पूरा कीजिए, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़े टारगेट्स बनाइए। ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे पढ़ाई आपकी बढ़ती जाएगी और एग्ज़ाम तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। यहाँ पढ़ रही हूँ, इसको पढ़ रही हूँ, तो मुझे अपना एशिया पे इंटरव्यू याद आ रहा है, क्योंकि ये उसी टाइम की बात है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी कि एशिया पे इंटरव्यू पूछेगा तो मैं इसके बारे में बताऊँगी। अब इंटरव्यू ही नहीं हुआ, लेकिन हाँ,
ऐसा ही कि एग्जाम की डेट आ गई है, लेकिन वो भी एग्जाम भी तो बिना आरक्षण के ले रहे हैं। पता नहीं अब प्रीलिम्स के बाद मेंस उसी डेट में होते हैं कि क्या होता है पता नहीं, पर प्रीलिम्स तो हमको अच्छे से देना ही है। अभी तक एसीएफ अगर हो गया होता इंटरव्यू तो मेरा हो सकता है पोस्टिंग हो गया होता, देखते हैं। आपको दिन के किसी भी समय जिस समय आपको पढ़ने का मन करता है उस समय पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर रात में पढ़ने वाले हैं और अभी आप दिन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ना अभी शेड्यूल बनाने का या फिर अपनी आदतें सुधारने का नहीं है, जब जैसे जिस कंडीशन में पढ़ाई हो सिर्फ पढ़ाई करने का है। हाँ, लेकिन दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दिन में एग्ज़ाम्स होते हैं। मैं तो अभी से ही मेंस के हिसाब से शेड्यूल बनाती हूँ अपना कि 9 से 12 पढ़ना ही, अटेंटिव रहना ही है, और 2 से 5 ही मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरी अटेंशन रहे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, कुछ दूसरा काम भी मैं 2 से 5 के बीच में ही करती हूँ, और अगर पावर नैप लेना होता है ना तो 12 से 2 या फिर 5 के बाद ही लेती हूँ। तो ऐसे करने से आप खुद को ना मेंस के लिए भी तैयार करते हैं। क्या है ये जो CGPSC है ना, ये लंबी लड़ाई है, इसके लिए आपको पहले से ही मजा वो खिलाड़ी बनना चाहिए, पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ें ना वो मैप से पढ़ें, उसको मैप में ना देख लें एक बार, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो या कुछ भी हो, पर्यटन, संस्कृति, जनजाति, कुछ भी जो भी आप पढ़ें ना उसको मैप में देखते चलें। एक बड़ा सा मैप अपने सामने टांग के रखें, या तो अपने पास छोटा सा मैप भी रख सकते हैं A4 साइज का। इससे क्या होता है ना, चीज़ें हम व्यवस्थित तरीके से याद कर पाते हैं। बार बार मैप में देखने से वो चीज़ें स्थायी हो जाती हैं, और हमारी मेमोरी में वो जगह याद नहीं आएगा तो किस जगह पे हमने मैप में देखा था ये याद आएगा, और हम चीज़ों को क्लिक कर लेंगे। मैंने आप लोग कहा था ना मैप से पढ़ने के लिए, देखिए इतना बड़ा मैप लेकर आई हूँ, यहाँ इंडिया का है और ये इसका है, ताकि मैं पढ़ते रहूँ तो बगल में ये मैप दिखता रहे। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स में तो मैप देखना कंपलसरी है मेरा, क्योंकि 1 लाइनर फैक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है ना, तो इसको मैं देखती ही रहती हूँ। मुझे पढ़ते हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। मैंने छोटा सा डिनर के लिए ब्रेक लिया था, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ। ई बुक अभी लगभग कंप्लीट हो गई मेरी। अभी बज रहे हैं 12:30। अभी नींद तो नहीं आ रही है, बट मुझे नहीं लगता मैं 3 बजे तक पढ़ पाऊँगी। जितना हो सके उतना पढ़ाई करूँगी और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक दिन पहले अगर हम थोड़ा लेट सोते हैं ना तो दूसरा दिन भी पूरा बोझिल और वेस्ट हो जाता है। इसलिए जितने बजे तक नींद ना आए तब तक पढ़ूँगी, उसके बाद फिर सो जाऊँगी। सो गाइस, इट्स 1:30 AM। तो अब आज का सेशन नहीं समाप्त करते हैं, कल से इंडियन जीएस स्टार्ट करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।